हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि आज से एक 1.5-2 वर्ष पहले जो है कई आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को BPOSE के तहत सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कराने के संबंध में एडमिशन हुआ था। कुछ लोगों को किताब वगैरह मटेरियल वगैरह भी मिला हुआ था। इसके बाद जो है अब जो है ICDS की ओर से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक जो है अगले महीने, जी हाँ, जनवरी महीने में 18 तारीख से इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले 30,000 सेविकाओं सहायिकाओं की परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एग्जाम लिया जाएगा। जिसका डिप्लोमा के लिए उसका डिप्लोमा का एग्जाम होगा, जिसका सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए उनको एग्जाम देना होगा। चलिए डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसा एग्जाम देना होगा, लेटर में क्या लिखा गया। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका सहायिका बहुत ही ध्यान से इस ऑफिशियल लेटर को और इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से 30,000 सेविकाओं सहायिकाओं का एडमिशन सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए सेविकाओं सहायिकाओं का आज से 1-1.5-2 वर्ष पहले किया गया था। अब उसकी परीक्षा देने का समय आ गया है। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जो है ICDS की ओर से जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ICDS पटना से इस लेटर को जारी किया गया है। लेटर की संचिका संख्या है 6816 और 14 दिसंबर 2023 को लेटर जारी किया गया है। लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर को जारी करने वाले हैं नोडल प्राधिकारी NMM ICDS निदेशालय बिहार पटना से इस लेटर को जारी किया गया है। इस लेटर को पटना निदेशालय से पूरे बिहार के DPO और पूरे बिहार के CDPO को सीधे जारी किया गया है। महत्वपूर्ण लेटर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको जानकारी मिल पाए और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पत्र का जो विषय है वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत नामांकित 30,000 आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका की परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में, यानी कि सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत फिलहाल जो है अभी तक 30,000 सेविकाओं सहायिकाओं का एडमिशन जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के लिए किया गया है। देखिए, प्रसंग जो है BBOSE यानी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के पत्रांक BBOSE दिनांक 27 नवंबर 2023 को इसके संबंध में BBOSE ने लेटर जारी किया था कि अब हम परीक्षा लेंगे। लिखा गया, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त प्रसंग के विषय में कहना है कि BBOSE अंतर्गत सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत ECCE सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स में नामांकित 30,000 आंगनबाड़ी सेविका या सहायिकाओं का निम्नलिखित तालिका के अनुसार परीक्षा लिया जाना है। देखिए, एग्जाम का डेट और एग्जाम का रूटीन पूरा आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक जो है किस प्रकार एग्जाम होगा सारा डिटेल दिया गया है। जैसे कि एक नंबर में है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स जो है 18 जनवरी 2024 को शुरू होगा और इस दिन जो है सिर्फ सैद्धांतिक यानी थ्योरिटिकल एग्जाम होगा। 19 जनवरी 2024 को जो है प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक एग्जाम लिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए डेट है 18 जनवरी और 19 जनवरी, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल। और अगर हम बात करें जिन लोगों का डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत एडमिशन हुआ है, तो डिप्लोमा कोर्स के लिए जो है वो 22 जनवरी को उनका थ्योरी होगा, 23 जनवरी को जो है इनका प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल लिया जाएगा। कुल मिलाकर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 2 दिन, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल, और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने वाले सहायिकाओं के लिए भी 2 दिन, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि अतः अनुरोध है कि उक्त समय सारणी के संबंध में सभी संबंधित सेविका सहायिका को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। यहाँ पर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर जो ICDS के डायरेक्टर है, 14 दिसंबर का डेट देखने को मिल रहा है। अब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जनवरी महीने में जो डेट निर्धारित हुआ है वो उन लोगों के लिए है जिनको फिलहाल 30,000 सेविका सहायिका जिनका एडमिशन जो है सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत हुआ है। कुछ लोगों को बुक्स वगैरह का मटेरियल भी मिला हुआ था। काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा। फाइनली प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम सारा का डेट जनवरी 2024 के लिए आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी की होगी और एग्जाम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।